Hello friends, in this video we are going to learn about the features of joint Hindu family business. So, आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बिजनेस टोटली डिफरेंट है दूसरे बिजनेस से। इससे पहले हमने काफ़ी बिजनेसों के बारे में पढ़ा, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म है, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बट आज हम जिस बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो टोटली डिफरेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। सो हम स्टार्ट करेंगे आज, बात करेंगे आज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग पार्ट से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फर्म इज अ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया। यानी अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की या जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म की, तो ये फर्म सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगा, क्योंकि इसके नाम में ये लिखा है कि एक ऐसी फैमिली जो जॉइंट रहती हो, और वो जॉइंट फैमिली अगर कोई बिजनेस रन करे तो उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से जान सकते हैं। और ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, इंडिया में मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट लिखता है मीनिंग में, अ बिजनेस ओन्ड बाय हिंदू विल बी इनहेरिटेड बाय फैमिली मेंबर आफ्टर हिज डेथ। Therefore, the business pass from one generation to generation, that is father to son, from son to grandson, and so on. तो इस business की बात करें तो इसका जो ownership है, इसका owned है, वो कौन होगा, एक ना एक हिंदू होगा। और इस केस में अगर हम बात करें तो जैसे घर का जो head member होगा, उसकी death के बाद जो senior member होगा next, वो उसका क्या बन जाएगा, head बन जाएगा। इसका मतलब ये business ऐसा business है जो generation से generation क्या होगा, pass on होता जाएगा। तो मैं ऐसे business के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर इसके ओनर बनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक फैमिली बिजनेस है, और इस फैमिली बिजनेस में मेंबर बनने के लिए आपको बस इस फैमिली में मेंबरशिप लेने के लिए सिर्फ बर्थ की जरूरत है। अगर आप इस फैमिली में बर्थ करते हो तो आप इसके ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाते हो। और इस बिजनेस की जो ओनरशिप, यानी कि मेन पर्सन होगा जिसको हम हेड ऑफ फैमिली कहते हैं, जिसका नाम कर्ता है, कर्ता बनने के लिए क्या होगा कि जो मेन कर्ता है उसकी डेथ के बाद जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा वो कर्ता बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये बिजनेस जो है दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से टोटली डिफरेंट माना जाता है। व्हेन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट बिजनेस इनहेरिटेड बाय इट्स एज पर हिंदू लॉ इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अगर करे, और किसके हिसाब से करे, हिंदू लॉ के हिसाब से करे, तो ऐसा बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से जाना जाता है। इट्स गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो इसको गवर्न कौन करेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करेगा। जैसे हमने पढ़ा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऐसा बिजनेस है जिसके लिए कोई गवर्निंग एक्ट नहीं है, उसके लिए कोई रूल नहीं है। हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखा कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसी हिसाब से हमने देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए भी एक्ट बना हुआ है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। या फिर हम कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 बना हुआ है। तो सेम उसी तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए भी एक गवर्निंग एक्ट बनाए, उस एक्ट के हिसाब से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को अपना बिजनेस परफॉर्म करना होता है, रन करना होता है। वो एक्ट क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सो आगे हम बात करेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में कि इस बिजनेस के फीचर्स क्या क्या हैं। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फीचर से। तो फर्स्ट फीचर्स यह है मेंबरशिप के बारे में। मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली, एवरी चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली बिकम अ मेंबर। सो अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर्स बनने के लिए आपको एक ही कंडीशन रखी है कि यहाँ पर मेंबरशिप बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस फैमिली में बर्थ लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी चाइल्ड होगा इस फैमिली में, अगर वो चाइल्ड उस फैमिली में बर्थ लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। यानी मेंबर बनने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने देखा कि किसी शेयर होल्डर को किसी कंपनी का मेंबर यानी शेयर होल्डर बनने के लिए एक लमसम अमाउंट जो है शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद जाकर वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जाकर मेंबर बनता है। बट यहाँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको उस फैमिली में क्या करना होगा, सिर्फ एक बर्थ लेना होगा, और बर्थ के बाद आप ऑटोमेटिकली उस फैमिली के क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक सिंपल कंसेप्ट है कि मेंबरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ डिपेंड है। अगर फैमिली में बर्थ होगा तो आप उसके मेंबर्स मान लिए जाओगे। नेक्स्ट, हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। यानी कि इस फैमिली के अंदर जो सबसे हेड मेंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे,
कर्ता कहेंगे, यानी कर्ता इज अ हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स। यानी कि अगर हम बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे पर्सन होंगे, पर उन सारे पर्सन में जो सबसे सीनियर, सबसे हेड वाला पर्सन होगा, ऐसे पर्सन को एक नाम दिया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, कर्ता। क्यों? क्योंकि वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो सबसे सीनियर पर्सन है वो सारा काम करता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। क्योंकि वो पूरा बिजनेस कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, सारी एक्टिविटी संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी कर्ता पे आती है, इसीलिए हम उसको एक अंदाज में कहते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सारा काम करता है यानी जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको हम कर्ता कहेंगे। उसके बाद फीचर्स में लिखता है अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज कोपार्टनर्स। कर्ता को छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर्स बचेंगे उस फैमिली के अंदर उसको हम कहेंगे कोपार्टनर्स। जैसे हमने बात की कि पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी मेंबर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स। बट यहाँ पर कोपार्टनर्स का नाम दिया गया है, यानी कि जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स को हम कोपार्टनर्स कहेंगे। जैसे हमने देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं यानी जिन्होंने शेयर्स खरीदा होता है उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो दो नाम दिए वो दोनों सेपरेट नाम है अदर फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। जो घर का सबसे मोस्ट सीनियर हेड पर्सन होगा उसको हम कर्ता के नाम से जानेंगे, और बाकी जितने भी मेंबर्स घर में बच जाएंगे, फैमिली में बच जाएंगे, वो सारे के सारे कोपार्टनर्स के नाम से जाने जाएंगे। द नंबर ऑफ मेंबर, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये एक सबसे बड़ा फीचर्स है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ फैमिली पे बेस्ड है, तो यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मिनिमम कोई नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम में भी कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट में। यानी कि मेंबर नंबर ऑफ मेंबर एक रहे, दो रहे, दस रहे, या फिर सौ रहे या हज़ार रहे, यहाँ पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। तो मेंबरशिप पे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। All family members are engaged in business. तो यहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं घर के फैमिली बिजनेस में इंगेज होंगे। इसीलिए तो इसको कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें पूरी फैमिली जॉइंट रहती हो और वो सारी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो साथ में मिलकर क्या करते हो, बिजनेस रन करते हो। तो जब सारे के सारे लोग अगर मिलकर बिजनेस साथ में करेंगे तो फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे वो बिजनेस में क्या होंगे, इंगेज होंगे। तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो बिजनेस में क्या रहेंगे, इंगेज रहेंगे। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इस टाइप के बिजनेस का। इसमें जो लायबिलिटी होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि अगर कर्ता ने कोई बिजनेस रन किया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन हो रहा है, तो अगर उस बिजनेस में किसी तरह का कोई लायबिलिटी हो, कोई तरह का कर्जा हो, और अगर बिजनेस बंद हो जाए, तो बिजनेस के बंद होने पर आपको लायबिलिटी के पे करने के लिए कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बैंक से लोन लिया है, किसी से क्रेडिट में सामान लिया है, और अगर बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है, तो उस केस में क्या करना होगा, उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कर्ता को सबसे पहले बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचना होगा, और बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा रिकवर होगा वो सबसे पहले लायबिलिटी के पे ऑफ में जाएगा। लायबिलिटी पे करने के बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाए, यानी लायबिलिटी बच जाए, तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो कर्ता की लायबिलिटी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो अनलिमिटेड है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे, द लायबिलिटी ऑफ कोपार्टनर्स इज लिमिटेड। ये एक एडवांटेजेस है इस बिजनेस का कि घर के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। बोले क्यों लिमिटेड है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोपार्टनर्स की लायबिलिटी इसलिए लिमिटेड है क्योंकि बिजनेस का सारा मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में, कर्ता के हाथ में। यानी पूरा बिजनेस कंट्रोल किस कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। मैनेज कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। जितने भी डिसीजन ले रहा है कौन ले रहा है, कर्ता ले रहा है। यानी कि जो भी डिसीजन लिया गया, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, वो किसके बेसिस पे डिपेंड है, कर्ता के ऊपर डिपेंड है। यानी कर्ता ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो कर्ता की वजह से या तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसीलिए कर्ता की लायबिलिटी लिमिटेड मानी गई और कोपार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड माना गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के हाथ में, वो मैनेजमेंट पूरा कर्ता के हाथ में, इसलिए जो लायबिलिटी है कोपार्टनर्स की वो लिमिटेड होगी। नेक्स्ट फीचर्स में बात करेंगे, कर्ता इज अ मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ बिजनेस। तो इस बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल, मैनेज और मैनेजर जो जिस बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसको बनाया गया, कर्ता को। तो कर्ता जो घर का हेड मेंबर होगा वही पूरा बिजनेस मैनेज करेगा,
उसको मालूम है बिजनेस कैसे मैनेज करना है, उसके साथ साथ वही पूरा कंट्रोल रखेगा और उसी को अपने आप को मैनेजर के तौर पे पेश करके वो बिजनेस को रन करेगा। यानी पूरे बिजनेस में जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होगा, कर्ता के हाथ में होगा। जब कर्ता के हाथ में सारा का सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा तो वो जो चाहे डिसीजन अपने हिसाब से बहुत ही जल्दी ले सकता है। यानी कि पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ घर में किसके हाथ में होगा, बिजनेस में कर्ता के हाथ में होगा। नेक्स्ट, कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। इस बिजनेस में कर्ता क्या होता है, सोल यानी सिंगल डिसीजन मेकर होता है। तो जब किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है तो कर्ता जो है वो सोली डिसीजन ले सकता है। जैसे बिजनेस का एक्सपांशन है तो बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए जो कर्ता है उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही बिजनेस के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकता है। यानी कि बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल सिर्फ किसके पास है, कर्ता आगे। अगर कर्ता के पास पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल है तो जब भी डिसीजन लेने की बात आएगी तो कर्ता अकेला ही सारे डिसीजन ले सकता है। इसीलिए इस बिजनेस में क्विक डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, यानी डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसके पास है, कर्ता के पास। इसलिए कर्ता जो है क्विकली डिसीजन लेगा, किसी से उसको कंसर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सोल कंसर्न है यहाँ पर। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप ऑन चेंजिंग डिपेंड अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट अगर हम देखें प्रॉफिट और लॉस के बारे में, अगर सारी फैमिली साथ में रहकर बिजनेस करेगी तो बिजनेस में जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसके बारे में क्या। सो अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पूरी की पूरी फैमिली में वो प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, कर्ता में भी और कोपार्टनर्स में भी। यानी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट ईयर एंडिंग में होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट कर्ता को भी मिलेगा और उसके साथ साथ कोपार्टनर्स को भी मिलेगा। बट अगर लॉस होगा तो लॉस की जो पूरी भरपाई है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के हिस्से में आएगी, कोपार्टनर्स के ऊपर कोई भी लॉस नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया था द लायबिलिटी ऑफ कर्ता is unlimited and the liability of co-partners is limited। यानी कि लॉस की जो भरपाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्ता को लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, co-partners पे किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट co-partners को भी मिलेगा और कर्ता को भी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। किसके हिसाब से चेंज होता है, बर्थ और डेथ के हिसाब से। यानी अगर फैमिली में किसी का बर्थ होगा तो बर्थ होने से मेंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और मेंबर के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सारे मेंबर्स में जब बांटा जाएगा तो प्रॉफिट में मिलने वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसी तरह से फैमिली में डेथ हो जाए तो मेंबर्स क्या हो जाएंगे, कम, और मेंबर के कम होने से जो प्रॉफिट आपके हिस्से में आएगा वो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलने वाला पार्ट है वो प्रॉफिट का मिलने वाला पार्ट चेंज होते रहेगा एज पर बर्थ एंड डेथ इन दी फैमिली। तो फैमिली में जब बर्थ होती रहेगी या डेथ होती रहेगी उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।